अब हम जो ऑपरेटर्स डिस्कस किए हैं, राइट, बिकॉज हमसे कोई पूछे कि जो ऑपरेटर्स आपने सी में डिस्कस किए हैं वो कितनी तरह के होते हैं, तो हमें ये पता है कि ऑपरेटर्स तीन तरह के हैं, और आपके पास फास्ट रिवीजन होनी चाहिए कि उसमें यूनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है, टर्नरी ऑपरेटर है। यूनरी में हमारे पास दो तरह के हैं, इंक्रीमेंट है, देन डिक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है, प्री इंक्रीमेंट है। देन वी शुड हैव द नॉलेज दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरियस ऑपरेटर्स। उसके बाद अगर हम एक एग्जांपल लेना चाहते हैं, अगर आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं जैसे void main है, और हम एक छोटा सा एग्जांपल लिखना चाहते हैं, एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं int num इज इक्वल टू 10, तो जब हमने int num इज इक्वल 10 किया तो क्या हुआ, मेमोरी रिजर्व हुई num और उसमें 10 स्टोर हो गया। फिर आपने कहा प्रिंट एफ, और आपने यहां लिखा देखो परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी कॉमा और नम कॉमा, या मैं इसको यहाँ लिखता हूँ अलग, थोड़ा सा लंबा लिखा जाएगा ये, प्रिंट एफ परसेंटेज डी फिर परसेंटेज डी फिर परसेंटेज डी कॉमा नम कॉमा प्लस प्लस नम कॉमा नम प्लस प्लस, ऐसे हमने लिखा। फिर गेट सी एच है, और अब ये कैसे चलेगा कि अगर आप यहां देखें प्रिंट एफ परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी, तो ये क्या करेगा कि ये जो नम प्लस प्लस है अब ये सब्स्टिट्यूट करेगा, तो ये राइट हैंड साइड की वैल्यू यहां जाएगी, इसकी वैल्यू यहां जाएगी, और इसकी वैल्यू यहां जाएगी। तो अब सबसे पहले यहां नम प्लस प्लस है तो नम की वैल्यू क्या ऊपर 10, तो यहां आएगा ये, तो ये क्या करेगा पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले क्या करेगा ये नम की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो यहां क्या आ जाएगा पहले 10 और फिर नम की वैल्यू इंक्रीज कर देगा, तो नम की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। तो पहले 10 सब्स्टिट्यूट किया लेकिन नम की वैल्यू 11 हो चुकी है। फिर उसके बाद यहां आएगा, यहां क्या प्री इंक्रीमेंट, ये पहले इंक्रीज करेगा तो 11 से क्या कर देगा 12, और फिर उस 12 को यहां सब्स्टिट्यूट करेगा, तो ऐसे यहां 12 आ जाएगा। उसके बाद सिंपल नम है वो नम डिस्प्ले करेगा, तो आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर आएगी 12 12 10। तो जब आप इस कोड को चलाएंगे, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है, और ये प्रोग्राम खत्म है, तो आपकी स्क्रीन पे आउटपुट ऐसे आएगी, और आपको ये समझ में आएगा कि हम जब इसको प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है और कैसे आपकी आउटपुट आती है। सो ये भी आपने माइंड में रखना है कि हम प्री और पोस्ट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।